बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, कहा जाते हैं ना कि सैर व तफरी जो होती है, इससे इंसान का जो माइंड है फ्रेश हो जाता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। और डॉक्टरों का कहना है कि सफ़र किया करें, ट्रैवलिंग किया करें, दिल के दौरे से आप बच जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हम आज आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि विंटर सीज़न है, आप देख रहे हैं खेतों का हाल और ये प्लाट वगैरह और शहरी ज़िंदगी है कुछ हमारे आज के इस वीडियो में व्लॉग है आज का, और हम आपसे शेयर कर रहे हैं और फूल मंडी की सैर करेंगे और आपको भी करवाएंगे। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फूल मंडी में, और ये लाहौर में, अगर कोई आसपास के लोग लाहौर से देख रहे हैं तो उनको पता होगा फूल मंडी लाहौर की, जो फूलों की मंडी का जो चौक है वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये हमें इतना ज़बरदस्त लगा, इतना प्यारा लगा, धूप में कुछ इन्होंने इस तरह से रखे हुए थे और इतना खिल खिल के ये सामने आ रहे थे कलर फूलों के। गुलाब के फूल हैं कुछ, कलियों के, और वो कुछ गेंदे के, मुझे तो, मैं तो बस गेंदे के फूल ही कहती हूँ, येलो फूल जो होते हैं। और इतने प्यारे लग रहे थे, फूलों की पत्तियां भी थी, इन्होंने इतने ज़बरदस्त सजा के भी रखे हुए थे और हार बना रहे थे और कुछ माला और ये सारा कुछ जो है ना वो तैयार कर रहे थे। और जैसे ही मेरा कैमरा ऑन इस भाई ने देखा तो इनको इतनी खुशी हुई और इनको इतना शौक था नेट पे आने का, क्या बताऊं। और मुझे सुन के ना बड़ी हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा चलें भाईजान, फिर मैं आपकी ना मतलब वीडियो ले लेती हूँ। और ये वो जो साथ वाले भाई सारे बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि बाजी इनको बड़ा शौक है नेट पे आने का, तो इनकी ना वीडियो बनाएं। और मैं इनसे पूछ रही थी सारी चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, मज़दूरों के बारे में पूछ रही थी, ये मज़दूरों को मज़दूरी किस तरह से देते हैं, जो घरों में ख़वातीन जो घरों में होती हैं बैठी, सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको दे के मतलब आ जाते हैं ये लोग, एक गठरी सी होती है और वो फिर परो के, तो ऐसे जैसे ये लटके हुए हैं ख़वातीन भेज देती हैं, ये खुद ही जाके ले आते हैं। और उनको भी ये लोग मज़दूरी देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हफ्ते की लेते हैं, हफ्ते बाद मज़दूरी सारी ले लेते हैं, और कुछ लोग दिन के दिन ही ले लेते हैं साथ साथ। और ये बता रहे थे इनका बहुत बड़ा कारोबार काम है, दूसरे शहरों में भी जाते हैं, ये खुद भी प्रो रहे हैं। और ये मोबाइल निकाल के कह रहे थे कि मुझे भी चैनल बना दें, तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे तो खुद किसी ने बना के दिया है तो मुझे तरीका नहीं है। तो ये लोग ना बहुत खुश हो रहे थे और ये मुझे फिर बता रहे थे इस तरह हम ऐसे बैठे ना प्रो लेते हैं इनको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई मेरे से मोबाइल ही ना छीन ले। और लेकिन बहुत अच्छे लोग थे सारे, बहुत खुश हो रहे थे देख देख के बाजी वीडियो बना रही हैं। और ये चीज़ तो मुझे इतनी पसंद आई ना, जो बाहर गठरियाँ रखी हुई हैं, ये आउट ऑफ सिटी जाती हैं, मतलब दूसरे शहरों में जाती हैं इस तरह से गठरियाँ बांध के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया कि बस आपको क्या बताऊँ। वह कहते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है कुछ चीज़ों को देख के, तो फूलों के बारे में, गुलाब के फूलों के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। और अब आखिर में आपको हम सुना रहे हैं कि हम मिलाद पे गए और वहाँ एक बाजी ने पढ़ा और किस तरह से पढ़ा, वो आप भी सुने। और साथ ही हम वीडियो का अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं तू की जानी है पास सुभान अल्लाह दी बेजा दे माला, तू तो खुली शैवा लाई तुर जाओ, तू ते पलट के मेरे कोले आना है, मेरे कोले आना है कर सम करने पर अल्लाह ताला फरमाया है जेड़े मेरे नेक बंदे ने सालिया बंदे ने सुन के दर गुजर करने वाले हो चुकी है, लड़ाई है हो चुकी, बड़ी शहीद हुई, शहीद जजीद हुई है, तो फिर भी किया क्या कोई गल नहीं मेरा मत बस ले ओ जन्नतीना नु पाए खलाक जेड़ा मुतकी है परेजगार जन्नतियां दा वेड़ा, जन्नत कोई खुफी दा कर नहीं जिते लड़कड़ के टुर जाना, अंबल सखाले अंबल सखाले अंबला ने कम आना, जे किसी ने इन्नी भी अंबल किया है अंबल, वो अंबल ने किस समझ के किया,
फिर अल्लाह ताला ने आर्डर दिता है सूरत यासीन दे विच, अगर दिल नू कुछ होवे वी ते क्या करो, सलाम कौन रबी रहीम। अल्लाह ताला फरमांदा क़यामत दा दिन होवे आखदे कदू जलसा खैरुल वरा दाए, कदू जलसा खैरुल वरा दाए, कदू खुले दा कुंड खुदा दाए, कदू खुले दा कुंड खुदा दाए। लिखन वाला लिखदा है कदू उतरे दा पैर चमावण नूं, तेरे पैर चमांदे सोहणिया, ते फिर ओ सलाम कौल मेरा बिराए। सोना रब पिया आखदा है मैं अपने बंदिया नूं आख्या है, ऐ मेरे बंदे कुरान दे विच वाजबे मैं तुहाडा रब तुहानूं सलाम आप पिया करना वा। अल्लाह अपने नेकां बंदिया नूं आखदा है सलाम कौल मेरा बिराए। मुजरमानू ही आख दिता सू अयो हल मुजरमोन, जेडे मेरे मुजरम ने लग जाओ लपेट विच, केड़ी लपेट विच, आजो वादा है ऐ आदम दी औलाद। मैं दुनिया ते तुम्हें ना क्या था कि शैतान को ना पूजो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, जो लपे पालिया अलहमदुल्ला, जो मिलया पालिया अलहमदुल्ला। कोई चढ़ाई ते आया कूड़े लैके तुरिया, कोई बेचारा टोरदा आखदा अल्लाह शुक्र सुनया तेरा शुक्र। एक इंसान बोलदा है इंसान नूं आखदा है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह है की हाल है सोहणिया, वो तो बड़ा दुनिया से जिन्हें आखी है नहीं अबू गरीब है वो माड़ा है, वो जुम्मे का दिन है वो जाता पिया है, वो आंदा अस्सलामु अलैकुम, वो आंदा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह वरा कौने रहमतुल्लाह कौने बबरा का तो उनके की आख्या तू वो यार चला थे मस्जिद ते जुती पाई कोनी, वो गुलाज नहीं दे गल नहीं करता, तुर जाता है मस्जिद से जान लगता है की वेखदा है, एक उत्थे बैठा है उन्हें दोवें पैर नहीं होंगे, वो गल का उन्हें गुस्सा नहीं पिछू आया, जुत्ती नहीं पाई, उन्हें अपनी नजर समाना चुक लिया ने, अर्श में लेके आता है अल्हम्दुलिल्लाह ਹਾਏ ਰੱਬੇ ਲਾਲ ਅਮੀਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਦਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਲਿਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਵਫਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਦਾ, बैठे तो बंदे खुदा अपनियां डायरियां सज्जे खब्बे जैसे सारा दिन घर का काम करने एक वक्त है नहीं, अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने आख्या वो अपना टाइम कट के बाहर हल्ला वो सुभान ले पा लो असल बोल लो काम अल्लाह ताला फरमाया मर्द औरत बच्चा उन्हें इतना प्यारा लगता काम कीते ने ना काम तो रह गया ना फाटी तजा।